असंध के सफेदो रोड स्थित गांव धनोली के पास नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को करीब 2 किलो अफीम के साथ काबू किया है। आरोपी मध्य प्रदेश से अफीम का दूधा लाकर उसमें अन्य पदार्थ मिलाकर यहां बेचने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी मेजर सिंह निवासी गांव धनोली पिछले कई माह से अफीम बेचने का काम करता है। इस पर उन्हें पता लगा कि आरोपी सफीदों की ओर गया है और वह वहां से अफीम लेकर आएगा। इस पर उन्होंने पुलिस की एक टीम का गठन किया। टीम ने सफीदो रोड पर नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी मेजर सिंह निवासी गांव धनोली अपनी बाइक पर सवार होकर आया तो उसे रुकने का इशारा किया। आरोपी पीछे बाइक को मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने आरोपी को काबू कर लिया है। जब चेकिंग की गई तो पता लगा कि आरोपी अपने पेट के साथ परने से 2 किलो अफीम का दूधा बांधे हुआ था। पुलिस को आरोपी मेजर सिंह ने बताया कि वह मध्य प्रदेश से अफीम का दूधा लाकर च्यवनप्राश या अन्य पदार्थ मिलाकर उसे 2 किलो से 8 किलो बनाकर बेचता था। यह अफीम वह 1.5 लाख प्रति किलो के हिसाब से बेचता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। एसएसपी साहब के सख्त निर्देश थे नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के। जो एसएसपी साहब के दिया निर्देश में कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दो मेजर सिंह गाँव धनोली का है और उसके पास जो कि अफीम बेचने की राग में जो एसआई कृष्ण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। इसमें एचसी खेम सिंह, एचसी संजय कुमार और हमारे अच्छी जो एक टीम को तैयार किया गया जिसको मेजर सिंह को 2 किलो हीम सहित हमने दर्द बोचा। हाँ, एसएसपी साहब के नशा के खिलाफ सख्त निर्देश है। इससे भी पहले हमने एक एनडीपीएस में 1000 निशीली गोलियों को पकड़ा था और 2 किलो फीम के साथ कल मेजर सिंह को पकड़ा है और आगे भी यह अभियान चालू रहेगा। सर, ये जो ये 2 किलो फीम है जो बड़ा ही एक अफीम का दूधा है जो जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपये है, ये 1 किलो अफीम से कम 4 किलो फीम आगे मिक्सअप करके बनाते हैं और उसको 1.5 लाख रुपये के हिसाब से आगे बेचते हैं। कहने मतलब कि वहाँ से जो इसकी इंटरोगेशन है एमपी से फीम लेके आता है, वहाँ से प्योर फीम लाकर और घर पे उस फीम को तैयार करते हैं फिर आगे सप्लाई करते हैं। कितने दिन से चल रहा है सर इसका ये काम? ये काफ़ी दिनों से, ये काफ़ी कम करीब 5-6 महीने पहले ये एक फीम की खेप लेकर आया था जो कि 2 किलो फीम इसके पास से रिकवरी हुई। सर, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.